गुड मॉर्निंग। हम 10वीं क्लास की हिंदी की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी में कृतिका भाग दो, और कृतिका में पाठ दो पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक। और जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक है कमलेश्वर। इसके पहले हमने कृतिका पाठ दो में पाठ एक पढ़ा था माता का आंचल। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने उसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लिए होंगे और उनको याद करना शुरू कर दिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कृतिका भाग दो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का परिचय। तो हमारे समाज में नाक एक इज्जत का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे में हिंदी में भी प्रचलित हैं, जिसमें नाक कटना और नाक काटना प्रमुख है। कौन कौन से मुहावरे हिंदी में प्रचलित हैं? नाक कटना और नाक काटना। इसी मुहावरे का अर्थ विस्तार करते हुए इस पर व्यंग्यात्मक उपयोग भी किए गए हैं। और जो लेखक है कमलेश्वर, इन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक इसी कहानी पर आधारित है। और इसका जो व्यंग है नाक शब्द पर केंद्रित है। और लेखक इस व्यंग को नाक पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट करी है। मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट करी किसके? अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद। अपने कृत्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को रेखांकित करती है और इसके साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार श्री कमलेश्वर के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ पर देखा जा सकता है। अब हम इस पाठ का सारांश देखेंगे। जिन बच्चों के पास किताब है वो बच्चे अपनी किताब खोल कर रखें और मेरे साथ साथ वो भी इस किताब को पढ़ें। पाठ का सारांश है कि लेखक बताता है, कौन लेखक बताता है? श्री कमलेश्वर जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने की चारों तरफ चर्चा थी। दर्जी पोशाकों को लेकर परेशान थे। पोशाक मतलब कपड़ों को लेकर परेशान था कि रानी क्या पहनेंगी। गुप्तचरों का पहरा अंदेशा था। तहकीकात कर ली जाए, नया जमाना था। फोटोग्राफरों की फौज भी तैयार थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतार में भारतीय अखबारों में छप रही थी। और यह भी सुनने में आ रहा था कि रानी के 400 पौंड का नीला सूट बनवाया गया। रानी ने 400 पौंड का सूट कहाँ बनवाया है? विदेश में, जो भारत से मंगवाया गया था। और रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री और फिलिप की कारनामे में छापे हैं। लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि अंगरक्षक रसोइयों की कुटिया एलिजाबेथ के कुत्ते तक की जीवनियां भी अखबारों में छप गई। इन दिनों इंग्लैंड की हर खबर भारत में तुरंत आ रही। दिल्ली में विचार हो रहा था कि जो इतना महंगा सूट पहन कर आएगी उनका स्वागत कितना भव्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका सूट कितने का था? रानी का 400 पौंड का सूट था, जो हल्के नीले रंग का था। बिना किसी के बिना कुछ कहे, किसी के बिना कुछ कहे राजधानी सुंदर स्वच्छ तथा इमारतें सज गई। राजधानी मतलब क्या सज गई? दिल्ली सज गई थी।
आगे बताते हैं कि दिल्ली में किसी चीज की कमी नहीं थी और एक चीज को छोड़कर बहुत ही लाड से गायब जॉर्ज पंचम की नाक। सभी नेताओं ने पत्थर लाने की बात पर एक दूसरे को ऐसे ताका जैसे यह कार अपने से दूसरे पर थोप रहे हैं। फिर एक सवाल का हल क्लर्क को सौंपा गया। क्लर्क ने पुरातत्व विभाग की फाइल चेक कर ली। क्यों? क्योंकि पत्थर लाने थे। क्लर्क ने पुरातत्व विभाग की फाइल मंगाई और कुछ हासिल ना होने पर उसने समिति से माफी मांग ली। सबके चेहरे उतर गए। अब एक और कमेटी तैयार करके यह काम उसे किसी भी हालत में करने का आदेश दे दिया। दूसरी समिति ने मूर्तिकार को बुलाया और मूर्तिकार से कहा कि भारत में क्या चीज है जो नहीं मिलती? भारत में तो हर चीज मिलती है। वह हर हाल में यह काम करेगा, चाहे पूरा भारत ही क्यों न खोजना पड़े। उनकी मेहनत का यह भाषण अखबार में, जो वहां का दैनिक समाचार पत्र था, उसने छप गया। मूर्तिकार ऐसे पत्थर की खोज करने लगा जिसके लाश पर मूर्ति थी। परंतु उसने निराशाजनक जवाब देते हुए कहा कि नाक विदेशी पत्थर की बनी है। सभापति क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि यह तो बेइज्जती की बात है कि भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह अपना, फिर भी पत्थर उनको नहीं मिला। उदास मूर्तिकार अचानक चहक कर बोला कि एक उपाय है, लेकिन अखबार वालों तक यह उपाय न पहुंचे। सभापति खुश हो गया। चपरासी ने गुप्त वार्ता के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और मूर्तिकार झिझकते हुए बोला कि अगर इजाजत हो तो अपने नेताओं की किसी मूर्ति की नाक उतार कर इस पर लगा दी जाए। कुछ झिझक के बाद सभापति खुशी से स्वीकृति देते हुए इस कार्य को होशियारी से अंजाम देने के लिए तैयार हो गए कि मूर्ति पर किसी और की नाक लगा दी जाए। लेखक कहता है कि नाक के लिए मूर्तिकार फिर यात्रा पर चल दिए कि भाई किसकी नाक इस मूर्ति पर लगाई जाए। वह दिल्ली से बंबई गया, कहाँ गया? दिल्ली से बंबई, गुजरात से बंगाल में, यूपी, मद्रास, मैसूर, केरल आदि पूरे भारत के चप्पे चप्पे में गए। परंतु सब प्रतिष्ठित देशभक्त नेताओं की नाक जॉर्ज की नाक से लंबी थी। यह जवाब पाकर सब फिर क्रोधित हो गए और मूर्तिकार ने नाटक बनाते हुए कहा कि 1942 में शहीद हुए बच्चों की नाक शायद ऐसी मिल जाए, परंतु दुर्भाग्यवश बच्चों की नाक भी जॉर्ज की नाक से बड़ी थी, मतलब जॉर्ज की नाक बहुत छोटी थी। मूर्तिकार ने फिर निराश होते हुए जवाब दिल्ली की तमाम तैयारियां पूरी हो गई, परंतु नेता नाक के लिए परेशान थे। मूर्तिकार पैसों का लालच नहीं छोड़ पा रहा था। उसने एक और उपाय सुझाया कि 40 करोड़ जनता में से किसी का तो नाक का मिलेगा और इसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि नाक की जिम्मेदारी उसी की है। दाना खुशी के बाद उसे उजागर दे दी गई। और फिर लेखक कमलेश्वर कहते हैं कि दूसरे दिन अखबार में सिर्फ इतना छापा कि जॉर्ज को जिंदा नाक लगाई गई। क्या पेपर में छपा कि नाक कौन सी लगाई गई? जॉर्ज को जिंदा नाक। नाक से पहले हथियार बंदी सैनिक तैनात किए गए। तालाब को साफ कर ताजा पानी भरा गया ताकि जिंदा नाक सूखे नहीं। मूर्तिकार स्वयं बताए घर से परेशान कुछ और समय मांग रहा था। उसे हिदायत अनुसार नाक लगा दी, लेकिन उस दिन अखबार में कोई खबर न आई, न पीटा कटा, न उद्घाटन, कुछ स्वागत समारोह नहीं हुआ। लेखक कहता है कि एक ही तो है। लेखक
क्या कहते हैं कि एक ही को नाच चाहिए थी, फिर इतना गमगीन शांत माहौल क्यों? पर इसका पता कुछ भी नहीं चला। अब हम आते हैं बच्चों इस पाठ के जो जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को। अभी हमने पाठ का सारांश पढ़ा, अब है कठिन शब्द बेखास्ता। बेखास्ता का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से। नाज़नीनों का अर्थ है कोमलांगी। खैरोख्वाह मतलब भलाई चाहने वाला। खानसामा मतलब राज दरबार में रसोई घर का व्यवस्थापक। मजार शब्द का अर्थ है हिम्मत और अजाया घर का अर्थ है पुरानी एवं दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। फिर है दिमाग खरोचना मतलब परेशान होकर सोचना। काम शब्द का अर्थ है कि अधिकारीगण। चप्पा चप्पा मुहावरे का अर्थ है कि प्रत्येक जगह हर जगह। इजाजत शब्द का अर्थ है अनुमति लेना। जान मिलाना का अर्थ है कि कुछ राहत महसूस करना। जान में जाना मतलब कुछ राहत महसूस करना। और लानत शब्द का अर्थ है धिक्कार। भूत शब्द का अर्थ है भूत का अर्थ होता है मूर्ति या प्रतिमा। पिता काटने का अर्थ होता है उद्घाटन करना। दवा पाप शब्द का अर्थ है कि गंदगी युक्त मिट्टिया का। कतई शब्द का अर्थ है कि बिल्कुल। मानस बनाने का अर्थ है कि दिलासा देना। कानस बनाना मतलब दिलासा देना। कानाफूसी का अर्थ है कि धीरे धीरे बात करना। और हैरत अंगेज ख्याल मतलब चकित कर देने वाले विचार। आंखों में चमक आना मतलब कि आशा भरा नया विचार देना। हर सामान का अर्थ होता है कि दराज दरबार में रसोई घर जो खाना बनाने का काम होता है उसके व्यवस्थापक। बच्चों आज ये यहीं पर समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी में इसको नोट करेंगे और लिखेंगे।